आज हम क्लास टेंथ का पॉलीनोमियल यानी कि बहुपद चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या गिवन में दैट में है, हमारे पास गिवन दैट है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा बीटा बराबर -1, यानी कि मूलों का योगफल गिवन है और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है। तो हम लोग फार्मूला बच्चों क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 के। उठा के वैल्यू क्या रख दी, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 रख दिया और अल्फा बीटा की जगह -1 रख दिया। एलसीएम क्या आ गया, 4 आ गया। तो 4x² माइनस का x और माइनस का 4 × 4, 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ हुआ गया आगे, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ मिला 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, यही हमारा स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण बन गया। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है, आलो बोलो जरा। क्वेश्चन रूट टू कामा 1/3 ये है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवेन है, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये गिवेन है और अल्फा बीटा क्या गिवेन है, इतना। तो हम क्या जानते हैं दूसरे क्वेश्चन में, यहाँ से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 के। एक्स स्क्वायर कितना है, कुछ भी नहीं, माइनस अल्फा बीटा रूट 2 इंटू एक्स प्लस 1/3 बराबर 0। इसके नीचे बाई 1, इसके नीचे बाई 1, टोटल एलसीएम कितना आ गया, 3। क्या मिला यहाँ बच्चों, 3x² माइनस 3√2x + 1 बराबर 0। अगली स्टेप में क्या करोगे, 3 का यहाँ दिखा दो, 3x² माइनस 3√2x + 1 बराबर 0 × 3। अगली स्टेप में क्या मिल जाएगा, ये 0 मिल गया। तो ये मिला 3x² माइनस 3√2x + 1 बराबर 0। देखिए प्यारे बच्चों कितना बढ़िया क्वेश्चन आया, ये हमारा क्या कहलाता है, द्विघाती क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। इसी प्रकार एक क्वेश्चन अभी और हम समझाते हैं इसी टाइप में। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड, में देखिएगा 0.√5 क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दे दिया और अल्फा बीटा कितना दे दिया, 5। ये गिवन वैल्यू है हमारे पास गिवन दैट में। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, यहाँ से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। x² माइनस योग फर्क कितना, 0 आ गया, 0 इंटू x प्लस 5 बराबर 0 के। तो क्या मिल गया, x² माइनस 0 प्लस 5 बराबर 0। तो x² प्लस 5 बराबर 0, ये हमारा स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा, एक क्वेश्चन नंबर फोर्थ इस पे निकाल दें, -1/4 और 4 पे, -1/4 और 4, यानी कि योगफल क्या मालूम हो गया, ये, और गुणनफल क्या मालूम हो गया इसका, ये। तो यहाँ से फार्मूला पुनः लगा दो बच्चों, क्या मिलेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 यानी कि प्लस का हो गया x और प्लस 1/4 बराबर 0, इसके नीचे बाई 1, एलसीएम कितना आ गया, 4। तो ये मिला 4x² प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, बस दे गुणा कर दिया। अगले स्टेप में क्या मिलेगा बच्चों, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को सभी लोग तैयार कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करो, अपने दोस्तों में कमेंट्स करो।